ओके सो गाइस, कोविड 19 स्ट्राइक्स अगेन। तो अब AS के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, फिक्र है। AS की फिक्र करें, एग्जाम्स की फिक्र करें, SAT की तैयारी करें, यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन की फिक्र करें, क्या करना चाहिए? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड फाइंड आउट व्हाट टू डू। IBA grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum guys, this is Talal Hussain from IBA grads and I have been helping students for the past 8 years to ace their SATs. और आज मैं करंट सिनेरियो के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड 19 हैज स्ट्राइक्ड अगेन, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट हुई है, ए लेवल्स के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। AS के एग्जाम्स स्पेसिफिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट कि AS के एग्जाम्स कैंसिल हो गए एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल ईयर इफ यू टॉक अबाउट योर करियर एंड यूनिवर्सिटी एडमिशंस। आपकी लाइफ का सबसे क्रूशियल ईयर साबित हो सकता है। अब इस स्टेज के ऊपर जबकि एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं और दिखाई यही दे रहा है कि हम लोग अक्टूबर नवंबर में अपने एग्जाम्स देंगे जितने भी AS के बच्चे हैं, तो अपने टाइम को अगर हमने प्रॉपरली यूटिलाइज एंड ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आगे हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाउ दो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग गौर से इन बातों को सुने ताकि आप लोग एक इन्फॉर्म्ड और बेहतर फैसला कर सकें। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपका AS का जो एग्ज़ाम है वो अब अक्टूबर नवंबर में होगा। दूसरी चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है वो ये कि उसी टाइम पीरियड में आपके A2s चल रहे होंगे एंड अबव ऑल आप लोगों के A2s के अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अबाउट योर यूनिवर्सिटी एडमिशन एज वेल। और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर SATs, वेदर यू आर यू नो प्लानिंग टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान और यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, इन एनी केस यू वुड हैव टू प्रिपेयर फॉर SATs, राइट। तो अब सोचने की बात है कि यार इस एक टाइम के अंदर हमें AS की तैयारी भी करनी होगी, हमें A2 की तैयारी भी करनी होगी और साथ साथ SAT की तैयारी भी करनी होगी, तो इतना प्रेशर हम लोग कैसे सस्टेन करेंगे? इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्टूडेंट टू डू दैट। नाउ अब एक और चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि मोस्टली जो बच्चे SAT देते हैं वो या तो अक्टूबर में देते हैं या दिसंबर में देते हैं, और कुछ बच्चे अगर अगस्त में पाकिस्तान में होता है तो अगस्त में भी दे देते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे अक्टूबर में SAT देते हैं। अब अगर अक्टूबर नवंबर में मेरे AS के पेपर्स हो रहे हैं, साथ में A2 कॉलेज भी चल रहा है, तो हाउ एम आई सपोज टू डू दैट? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं देखूं तो इस वक्त जो मेरा टाइम चल रहा है ये टाइम रिलेटिवली फ्री है। जितने भी AS के स्टूडेंट्स इस वक्त हैं, इस टाइम पे अगले एक दो महीने में वो बिल्कुल फ्री हैं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मतलब इफ़ आई एम AS स्टूडेंट फॉर एग्जांपल राइट नाउ, आई हैव टू ऑप्शंस। आई कैन यूटिलाइज दीज 2 to 3 months यू नो पार्टिंग एंड यू नो तफरी मजाक के अंदर मैं अपना ये टाइम वेस्ट भी कर सकता हूँ, और एक तरीका मेरे पास ये है कि वो काम जो मुझे आगे जाके करना है वो काम मैं अभी करूँ और इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर लूँ। यानी क्या कि वो SAT की तैयारी जो मुझे आगे जाके करनी है वो SAT की तैयारी मैं अभी कर लूँ, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप अभी अपने SAT की तैयारी स्टार्ट करते हो तो अगर एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड 3 months का भी आपको लगता है अपने SAT की तैयारी करने में और आगे प्रैक्टिस करने में, तो जून जुलाई अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त मे बी यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर SATs। तो अब उस टाइम के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो और आराम से जाके अगस्त में या अक्टूबर में आप अपना SAT दे दो, आपको अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एंड उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे? उस टाइम पे फिर आप लोग अपने A2s को भी साथ लेके चल सकते हो और AS के एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ अ स्टूडेंट डिसाइड्स टू वेस्ट दिस टाइम, तो होगा क्या? अभी का टाइम तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आगे जाके जब SAT को और AS को और A2 को साथ लेके आप चलने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा और यू गाइज विल एंड अप स्क्रूइंग इट अप, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती। तो आपको किसी ना किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो आपका SAT का स्कोर कॉम्प्रोमाइज होगा जिसके बिना पे आपके आगे का करियर, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो दुनिया में, पाकिस्तान में, वेयर एवर यू गाइज आर प्लानिंग, वो एडमिशन आपकी आगे की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, या फिर आपके AS के ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, या फिर आपकी A2 की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अगर तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आपका SAT का स्कोर कॉम्प्रोमाइज हुआ तब भी एडमिशन आपको आगे नहीं मिलेंगे, और अगर A लेवल्स के ग्रेड्स खराब हो गए तो भी आप लोगों को मसला इसलिए हो जाएगा क्योंकि A लेवल्स के ग्रेड्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ना करने के बिना भी आपको आगे एडमिशन नहीं मिलेंगे। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो अगेन, अगर आप ये चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो आप इस टाइम पे इंजॉय भी कर सकते हैं और आप इस टाइम को वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी जा सकती, तो माई एडवाइस इन माई एक्सपीरियंस जो लिटिल दैट आई हैव, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा
कि आप अभी इसी वक्त सैट की तैयारी करें, स्टार्ट करें सोचना कि आपने किस तरह से इसको प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, और अभी एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लें, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट नाउ, ताकि आगे जाके आपको ये मसले ना हो। माय बेस्ट विशेज आर विद यू। अगर आपका कोई मजीद इसमें सवाल होता है तो नीचे हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना क्वेश्चन ज़रूर दें, ताकि हम अपनी हद दर्जा कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू आस्क, यू कैन कॉन्टैक्ट आर एडमिशन ऑफिसर्स एज वेल। गाइज, दिस वॉज तलाल हुसैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।